सिंक करके रख रहे हैं। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या सबको आवाज आ रही है? एक बार बताना, कैन यू ऑल हियर मी? कैसी है सबकी तबीयत, पहले तो ये बताओ, कैसे हो सब? हाँ, और तबीयत कैसी है आपकी? सबको आवाज आ रही है? कैन यू ऑल हियर मी? यस, ठीक है। तबीयत बिल्कुल ठीक है, तबीयत तो नहीं खराब करी है किसी ने एग्जाम के पहले? ऑल गुड, ऑल गुड, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस है खुद की प्रिपरेशन पर, मेहनत पर, या नहीं है? हाँ, मैं भी बिल्कुल सही हूँ, लेकिन ठीक है, प्रेशर मुझे भी फील हो रहा है ना, थोड़ी टेंशन मुझे भी है, थोड़ा सा एंजाइटी लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पहले थोड़ा प्रेशर होता है, थोड़ी एंजाइटी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस है या नहीं है, बस ये बताओ। देखो, कॉन्फिडेंस होगा खुद की मेहनत पर, प्रिपरेशन पर, तो एग्जाम क्लियर होगा, है ना? तो डर लग रहा है, कोई बात नहीं, स्ट्रेस है थोड़ा सा, मुझे पता है, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा प्रेशर होगा, ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई बिल्कुल पैनिक पैनिक जैसा हो रहा है, तो जरूर आपको थोड़ा सा दिमाग को शांत करने की जरूरत है, 10-15 मिनट गाने सुनने की जरूरत है ना, खुद की ब्रीदिंग पर फोकस करने की जरूरत है, लेकिन टेंशन से कुछ नहीं होने वाला है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आओ भाई, एक बार आज 2021 का पेपर देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट पैटर्न पर है जो आप कल एग्जाम देने वाले हो, है ना? आपको इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। 2021 का पेपर सॉल्व कर लो मेरे मेरे साथ साथ, और आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी पैनिक हो ना, तो बस ऐसे याद रख लेना कि मैंने आपको जैसे अभी 4 दिन पेपर सॉल्व करवाया है बिठा कर, वैसे ही मैं आपके साथ बैठी हूँ, है ना, और हम साथ में ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आओ भाई, एक बार इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट आपका पेपर का पैटर्न है। क्या क्या चीजें यहाँ लिखी हैं कि आंसर शीट जो होगी, जो OMR शीट होगी, वो आपके टेस्ट बुकलेट के अंदर होगा, पहली चीज, है ना? आपको जब बोला जाएगा उसी टाइम पर आप टेस्ट बुकलेट ओपन करोगे और अपनी OMR शीट, आंसर शीट बाहर निकालोगे। उसके बाद जहां पर आपको फिल करना है, OMR शीट में इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, ब्लू या ब्लैक कलर के पेन से आपको वो फिल करना है। पूरा टेस्ट जो है वो 3 घंटे 20 मिनट का होने वाला है, तो आपके पास इस बार 20 मिनट बढ़ाया गया है, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा है। 200 क्वेश्चंस होंगे टोटल, है ना, MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप, कौन कौन से सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी में बॉटनी और जुआलॉजी। 50 क्वेश्चन होंगे, है ना, तो हर इस सब्जेक्ट में से चारों में 50-50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक? 2 सेक्शन में कैसे डिवाइडेड है? हर सब्जेक्ट में सेक्शन ए में, हर सब्जेक्ट में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस है, ठीक? अब यहां पर नंबर दिया कि भाई फिजिक्स में आपको 1 to 35 मिलेगा, फिर केमिस्ट्री में 51 to 85 मिलेगा, फिर बॉटनी में 101 से 135 मिलेगा, जुआलॉजी में 151 से 185 मिलेगा। यहां लिखा है सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सारे जबरदस्ती सॉल्व करने हैं, इसका ये मतलब है कि ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सेक्शन ए में हर सब्जेक्ट में जो 35 35 35 35 क्वेश्चंस है, अगर वो सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सेक्शन बी जो होगा उसमें 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चंस है, इन 15 क्वेश्चन में से आपको कोई 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, 15 में से 10 अटेम्प्ट करने हैं। क्या लिखा है? आउट ऑफ 15, है ना? तो मैं आपको फिर से एक बात पूछूंगी, मान लो यहां मैं क्वेश्चन नंबर लिख रही हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अगर मैंने 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये मान लो सारा किया और ये सॉल्व कर लिया, फिर इसके आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, ठीक है? आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व भी करोगे, और मान लो यहाँ पे आपने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन बीच के 2 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, तो काउंट यही 2 होंगे, लास्ट के 2 नहीं होंगे,
है ना। तो आप बीच में जो क्वेश्चन नहीं आता है छोड़ सकते हो। इन 15 में से कोई भी 10 क्वेश्चन चूज करके अटेम्प्ट करना है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करना, इस बात को याद रखना। आप अपना टाइम भी वेस्ट करोगे, है ना, पहली चीज, और दूसरा कि आप नेगेटिव मार्किंग भी करोगे उस वजह से, गलती से, है ना। तो चेक करना, पहले 15 क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसमें से कोई 10 क्वेश्चन चूज करना और वही आपको करना है सॉल्व। ठीक, अब क्या लिख रहा है, हर क्वेश्चन सही किए तो 4 नंबर के हैं, अगर गलत कर दिए, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए 1 नंबर कट जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग है। ये नेगेटिव मार्किंग में आपको बहुत ध्यान देना है ना। नेगेटिव मार्किंग करोगे तो जो सही किया है वो भी गड़बड़ होगा। मैक्सिमम पेपर कितने नंबर का है, 720, तो आपका फोकस 720 मार्क्स पर होना चाहिए। सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आप यूज कर सकते हो। रफ वर्क के लिए आपको स्पेस दिया होगा, वहीं पर आपको रफ रफ वाला वर्क करना है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में स्पेसिफिकली आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे, है ना, तो वो आपको जरूर ध्यान देना है। ठीक है, उसके अलावा आपको आंसर शीट हैंड ओवर करनी है, ध्यान से अपनी ओएमआर शीट आपको इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करनी है जैसे ही पेपर खत्म होगा। अब मान लो यहाँ पर जो बुकलेट है उसका कोड है M1, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ लिखा है क्या, इस बुकलेट का कोड M1 है। ये कोड आपके आंसर शीट ओएमआर शीट पे भी प्रिंटेड होगा। आपको ये जरूर मैच करना है कि आपका जो बुकलेट कोड है वही कोड एग्जैक्टली आपकी ओएमआर शीट पर लिखा है। कभी कभी गलती से दूसरे कोड की ओएमआर शीट अंदर रखी होती है, अगर वो आपने चेक नहीं किया और ये गलत हो गया ना, तो आपका पेपर वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि बुकलेट का कोड क्या लिखा है और आंसर शीट क्या लिखा, आंसर शीट में बुकलेट कोड क्या मेंशन है। ठीक, व्हाइट फ्लूइड किसी भी तरीके का आप नहीं यूज कर सकते। आप ओएमआर शीट पे स्क्रैच नहीं लगा सकते, कोई चीज मिटा नहीं सकते हैं, इसलिए आंसर फिल करने के टाइम पर बहुत ध्यान देना है। जब आप वहां पर अपना रोल नंबर फिल कर रहे हो या आपको सेंटर कोड फिल करना है या कुछ भी फिल करना है, वो फिल करते टाइम पूरा टाइम लेना, ध्यान से फिल करना, है ना। हर बच्चे को जब भी बोला जाएगा एडमिट कार्ड इनविजिलेटर को दिखाना है, तो आपके पास एडमिट कार्ड आपको सही से रखना है ना। किसी भी कंडीशन में जब तक कि आपको परमिशन ना मिले आप अपनी सीट से नहीं उठ सकते हैं। आपको 3 घंटे 20 मिनट बैठना ही है एग्जामिनेशन हॉल में, आप बीच में नहीं निकल सकते हैं, है ना। और कैंडिडेट नहीं लीव कर सकता अपना जो है जो आंसर शीट है वो सॉल्व किए बिना। दूसरी चीज, आपको अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर करना है 2 बार, एक जब पेपर शुरू करोगे तब और दूसरा जब आप पेपर खत्म करोगे तब, तो उस पे जरूर ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल कैलकुलेटर आप नहीं यूज कर सकते। सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको अच्छे से फॉलो करने हैं। आप कोई भी अनफेयर मीन्स नहीं कर सकते, है ना। कोई भी आप टेस्ट बुकलेट या आंसर शीट का पार्ट डिटैच नहीं कर सकते, यानी पन्ने निकाल दिए, है ना, तो नहीं कर सकते। और लास्ट क्या लिखा है, जो करेक्ट बुकलेट कोड है, तो बुकलेट कोड बार बार बोल रहे हैं ना, जो करेक्ट टेस्ट बुकलेट कोड है वो आपको ध्यान से चेक करनी है। फिर क्वेश्चन वाले इस पेपर में आपके पास ये फिल करने को होगा, ये सही से फिल कर देना। ठीक, अब करेंगे भाई हम पेपर सॉल्विंग स्टार्ट। पेपर सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे तो डेली के जैसे हम 10 सेकेंड्स का टाइम लेंगे, एकदम शांति से एक बार डीप ब्रीद करेंगे और फिर पेपर स्टार्ट करेंगे। एंड योर 10 सेकेंड्स स्टार्ट नाउ। चलो अभी स्टार्ट करो सेक्शन ए बॉटनी क्वेश्चन नंबर 1। अभी स्टार्ट कर दो सॉल्व करना मेरे साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस, इनमें से कौन सा प्लांट मोनोशियस है। हाँ सुरभि, एक बार यूट्यूब का सेटिंग चेक करो, बिल्कुल लिखना है चीकू, वर्ड में लिखना है, जहां पर वर्ड में बोलेगा वहां वर्ड में लिखना है। कह रहा है वेरी गुड वेरी गुड, देखो याद तो है तुम्हें यार, ऐसा थोड़ी है स्ट्रेस लेना है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो में मेच्योरिटी के टाइम पर जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें कितना सेल कितना न्यूक्लियस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है।
बार बार पूछा जाता है, कितना? हाँ, 8 न्यूक्लियट और 7 सेल, ये बोल रहे हो? हाँ, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, 1 एग, 1 सेंट्रल, और सेंट्रल में 2 न्यूक्लियस। जेमे कहां पर प्रेजेंट होते हैं? मॉसेस, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पॉर्म्स, लिवरवुड्स। जेमे आर एसेक्सुअल स्पोर्स, किसमें मिलते हैं? हाँ, लिवरवर्ट्स में मिलते हैं, याद है? जेमा कप्स के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं? कहाँ पर बराबर बराबर आर्म होगी? मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, बताओ। हाँ, मेटासेंट्रिक में 2 इक्वल आर्म होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिविजन ऑफ सेंट्रोमियर? कहां पर मियोसिस में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है? तो एक बात यहां याद रखनी है, मियोसिस 2 के टाइम पर सेंट्रोमियर डिवाइड होती है, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होती हैं। अब मियोसिस 2 में कहां पर कहां अलग होगी भाई? क्रोमैटिड किस फेज में होगी? किस फेज में होगी? एना फेज में होती है हमेशा, है ना? तो एना फेज होगा आंसर, 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन सोरगम क्या होगा? यहां पर हम क्या सोरगम बोल दिया तो मेज सोरगम, C4 प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और अगर हम C4 प्लांट्स पे C4 साइकिल की बात कर रहे हैं तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? 4 कार्बन का ऑक्जैलो एसिटिक एसिड होता है। हाँ, ऑक्जैलो एसिटिक एसिड होता है, याद है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन क्या होगा? किस वजह से फाउंडर इफेक्ट आता है? किस चीज का एग्जाम्पल है फाउंडर इफेक्ट? नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन या जेनेटिक ड्रिफ्ट? सडन चेंज होता है ना? तो फाउंडर इफेक्ट में कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है, हमने पढ़ा है, पढ़ा है हमने, जेनेटिक ड्रिफ्ट के वजह से होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मिच्योर सीव क्यूब एलिमेंट पोजेस अ कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन मटीरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द आउटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। या न्यूक्लियर पोर एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आंसर क्या होगा? हाँ, इनकरेक्ट बताना है, पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। सीव ट्यूब की बात हो रही है, सीव ट्यूब के सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ई न्यूक्लियट होता है। ई न्यूक्लियट होता है, अगर याद होगा तो, उसको कंट्रोल करता है कौन? उसके साथ बैठा कंपेनियन सेल। अमेंसलिज्म को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? अमेंसलिज्म, हाँ, एक को नुकसान पहुंच रहा है और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना? एक को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड एज। हाँ, यहां पर हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की। तो सॉयल में एक टाइम पर जितना भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। जितना बायोमास है, टोटल बायोमास, उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल? भाई, रिजर्व फूड मटेरियल तो बार बार प्लांट किंगडम से क्वेश्चन आता है, अभी तक आपको रटा होना चाहिए। क्या होगा बताओ? एक्टोकार्पस, ग्रेसिलेरिया, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स। आंसर क्या होगा? हाँ, आंसर क्या होगा बोलो? एक्टोकार्पस होगा, एक्टोकार्पस होगा, बोलिए भाई, एक्टोकार्पस होगा, नहीं होगा? 1, एक्टोकार्पस, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन स्पाइट द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर, विच मैकेनिज्म द कॉम्पीटिंग स्पीशीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल? तो चाहे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है, स्पीशीज ने क्या किया है भाई खुद ये सॉल्व करने के लिए? क्या किया है? रिसोर्स की पार्टिशनिंग की है,
ऐसा हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था, अलग अलग स्पीशीज है, अलग अलग टाइम पर खाना खाती है, एक ही पेड़ पर रहती है, लेकिन आपस में लड़ती नहीं है। नेक्स्ट, जेनरा लाइक सिलाजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, सच प्लांट्स आर नोन एज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या कहते हैं भाई, जहां पर दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं ऐसे प्लांट्स बोलते हैं हेटरोस्पोरस। हाँ, हेटरोस्पोरस बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं जाना, स्पेलिंग सही से चेक करना, देखो कंफ्यूज करने के लिए स्पेलिंग कैसे लिखा है। साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो पीरियडिज्म, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने कल भी सॉल्व किया था। कहां पर लाइट परसीव करता है भाई प्लांट, सनलाइट ट्रैप ही एक जगह होती है सबसे ज्यादा, कहां होती है, लीफ में होती है। हाँ, सनलाइट ट्रैप यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड, इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं। अलग अलग फेजेस में, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर का बनना, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, है ना, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। मैच कर लो तो जरा ये एक बार, ये मैच कर लो तो फटाफट से मैच करो तो ये। हाँ, क्रिस्टे क्या है, क्रिस्टे क्या है बोलो। मैं बोलूंगी भाई क्रिस्टे इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्ड हो जाती है, ए का थ्री, क्या ए का थ्री का एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको। हाँ, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए का थ्री, आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। फिर मैच दी फॉलोइंग है, कोहिजन एडिशन सरफेस टेंशन और गटेशन, कोहिजन एडिशन सरफेस टेंशन और गटेशन, बोलिए। तो मैं बोलूंगी कोहिजन, वाटर के मॉलिक्यूल में आपस में अट्रैक्शन होना, म्यूचुअल अट्रैक्शन, इस पे जरा चेक कर लो एक बार। चलो ठीक है, दो आए है ना, दो आए। नेक्स्ट, एडिशन, एडिशन वाटर मॉलिक्यूल्स का जो ट्यूब की पोलर सरफेस है उसके साथ अट्रैक्शन। अब आंसर क्या आ गया, सीधा आंसर आ गया वन, आगे का तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचा रहे हैं। नेक्स्ट, डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन रिव्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर्स एज, किस कलर का दिखता है भाई, जब इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हो और यूवी रेडिएशन में देखते हो तो। हाँ, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है, इसी पे कल भी क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट उस 2020 में। नेक्स्ट, टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ड्यूरिंग पॉलिनेशन, जहां पर जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन जा रहा है स्टिग्मा पर, जहां पर वेरिएशन आएगा, क्या बोलते हैं हम, जीनोगैमी, जिटोनोगैमी, कैज्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी, क्या बोलते हैं। हाँ, जीनोगैमी बोलते हैं, जीनोगैमी बोलते हैं, दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूसेस कैरेजीन, कैरेजीन कौन प्रोड्यूस करता है भाई, ग्रीन ब्राउन रेड, हाँ ग्रीन ब्राउन रेड कौन प्रोड्यूस करता है, रेड एल्गी करता है, रेड एल्गी करता है, याद है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, हाँ कौन सा नहीं करेक्ट है, ध्यान देना। पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, कौन सा करेक्ट नहीं है। पिरामिड ऑफ बायोमास पे 3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है ना, और बार बार यही पूछता है सी में क्या होगा, सी में क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, अपराइट नहीं होता है, तो ये गलत लिखा है। हाँ, टू गलत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन है, इसमें आर क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और अगेन 2 साल 3 साल का ये जो है रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन पे स्पेशल फोकस होना चाहिए आपका। क्या होगा इसका आंसर, इन द इक्वेशन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट माइनस व्हाट, रेस्पिरेटरी लॉसेस, हाँ रेस्पिरेशन वाले लॉसेस इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट, डाई एडल्फस स्टेमेन, कल ही आपको वन शॉट में रिवाइज करवाया था, डाई एडल्फस स्टेमेन कहाँ मिलेगा, चाइना रोज, सिट्रस पी, चाइना रोज और सिट्रस दोनों कहाँ मिलेगा बताओ, कहाँ मिलेगा भाई, पी में मिलेगा, याद रखोगे ये, पी पे बार बार क्वेश्चन आता है। व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन
इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इट इज नोन एज। भाई जीन्स को यूज करके डिजीज ट्रीट कर रहे हो तो क्या होगा? हाँ क्या होगा? जीन थेरेपी कर रहे हो, जीन थेरेपी कर रहे हो। नेक्स्ट नेक्स्ट मैच की कॉलम है ना, मैच कर लो जरा फटाफट से। लेंटिसेल, यहीं पर आंसर आ जाएगा मेरा। लेंटिसेल, लेंटिसेल से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ओपनिंग होती है बार्क में बीच बीच में। हाँ आंसर आ गया, आंसर आ गया सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट पेरेंट्स फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, दो बार ये भी रिपीट हो गया है, 2018 में भी आया था, 2021 में भी आया था, है ना। तो बुलेट स्क्वायर, पंच स्क्वायर, पनेट स्क्वायर, नेट स्क्वायर, बार बार पढ़ा यार, क्या होगा? पनेट स्क्वायर होगा। हाँ पनेट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन द स्टेप्स ऑफ पीसीआर। वापस से पीसीआर के स्टेप दोबारा रिपीट हो रहे हैं, 2019 में भी आया था, 21 में भी आया था। तो देख रहे हो क्वेश्चन का पैटर्न, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन कितने सारे हैं। हाँ बताओ जरा क्या होगा, क्या होगा आंसर? डीनेचुरेशन पहला, फिर एनीलिंग दूसरा, प्राइमर ऐड करते हैं तीसरा, जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बना लेते हैं। डीनेचुरेशन क्या है? दो स्ट्रैंड्स को अलग करते हैं। पहला आंसर ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन प्लांट सेल में करना है अगर, है ना, तो कैसे इंड्यूस करोगे? म्यूटेशन अगर प्लांट सेल में इंड्यूस करना है तो कैसे करोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। काइनेटिन से, इंफ्रारेड रे से, गामा रे से, जियाटिन से, कैसे करोगे? हाँ गामा रे से करोगे, गामा रे से करोगे। मैच, फिर से मैच दी फॉलोइंग, फिर से मैच दी फॉलोइंग, मैच करो जरा। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किया था तो क्या बनाया था? प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करके पोमैटो बनाया था, पोटैटो और टोमैटो का हाइब्रिड, है ना, जहां पर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किया था, याद रखना। यहीं पर आंसर आ गया, ए का टू, यहीं पर आंसर आ गया। हाँ आ गया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चिल्ड इथेनॉल डालते हो क्या प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल भी सॉल्व किया था। स्पूलिंग की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं, स्पूलिंग में क्या प्रेसिपिटेट करते हो? हाँ डीएनए करते हो, डीएनए का स्ट्रैंड निकालते हो प्रेसिपिटेट करके, चिल्ड इथेनॉल डालकर। बताओ भाई सेंट्रल डोगमा में क्या करेक्ट है? हाँ ए है यहाँ, और ये है रेप्लिकेशन, डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर रहा है। बी है यहाँ, और ये है ट्रांसक्रिप्शन, क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। सी है यहाँ, आरएनए से ट्रांसलेशन में बनेगा क्या? प्रोटीन। क्या होगा आंसर बोलो? हाँ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन, थ्री है। नेक्स्ट, यहां पर पीसीआर कहाँ नहीं यूज होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर? आइसोलेटेड प्योरी प्रोटीन के प्योरिफिकेशन में हम पीसीआर थोड़ी करते हैं, है ना, बाकी सब जगह तो करते हैं। नेक्स्ट आइए भाई, प्लांट हार्मोन जिसको आप यूज करते हैं डाइकॉट वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में, अगर घास उगा रहे हो तो, हाँ अगर अच्छा सा लॉन बना रहे हो तो किसको यूज करते हो? अगेन बहुत सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसको यूज करते हैं? 2,4-D को यूज करते हैं, है ना, 2,4-D को यूज करते हैं। मैच दी कॉलम, मैच करो जरा, मैच कर लो। सेल्स विथ एक्टिव डिविजन कैपेसिटी कौन से होते हैं? सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। हाँ अगर ए का टू है तो क्या मैं आंसर दे सकती हूँ यहीं पर? क्या मैं आंसर दे सकती हूँ यहीं पर? ए का टू है तो देख रहे हो मैच द कॉलम हमेशा सिंपल आते हैं, एक दो भी गेस करके आप जो है सीधा आंसर कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट्स, बताइए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है भाई, बहुत सिंपल दिख रहा है, अमाइनो एसिड ग्लूकोज सेकेंडरी मेटाबोलाइट है? नहीं है, नहीं है, है ना।
अब देखो ध्यान से देखो, सेक्शन बी आ गया है। यहां पर आपको 10 क्वेश्चन ही करने हैं आउट ऑफ 15 क्वेश्चन। यहां पर आप बहुत ध्यान से 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करोगे और कमेंट में 10 का ही आंसर करोगे। तो अगर पहले 10 कर दिए तो उसके आगे नहीं करोगे आंसर, और मैं तो पूरा करवाऊंगी क्योंकि मुझे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है ना। लेकिन आप 10 ही करोगे। ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी है? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। ईटीसी में एक मॉलिक्यूल एनएडीएच प्लस एच प्लस का राइज देता है 2 एटीपी मॉलिक्यूल को, और एक एफएडीएच टू बनाता है 3 एटीपी मॉलिक्यूल। बताओ क्या सही लिखा है? हाँ उल्टा लिखा है। एफएडीएच टू बनाता है 2, ये बनाता है 2 एटीपी और ये बनाता है 3 एटीपी। उल्टा लिखा है तो इनकरेक्ट है सेकेंड। हाँ इनकरेक्ट है। चार का फोर्थ कैसे होगा भाई? सेकेंड ही इनकरेक्ट लिखा है। ये सेकेंड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सेक्शन बी का। मैच दी कॉलम है वापस से, मैच दी कॉलम है वापस से, तो मैच करो फटाफट से। मैं बोलूंगी नाइट्रोकोकस, ये तो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। सही बोल रही हूँ? बोलो सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ? नाइट्रोकोकस। यहां पर देखो एक बारी आंसर क्या होगा। यहां पर ही मैच किया मैंने, आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन ही है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, ओ कल ही बताया था ये ट्रिक, कल ही बताया था। अगेन करेक्ट बताना है मैच करके। हाँ तो बताओ बोलो क्या होगा भाई आंसर? क्या ये फेबेसी है? हाँ क्या ये फेबेसी है? अगर है तो क्या फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कैपिंग में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाता है 3' एंड पर, क्या ये करेक्ट है? क्या ये बात करेक्ट लिखी है? दूसरा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है रो फैक्टर से टर्मिनेट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बैक्टीरिया में। यहां पर एक गलती है, 5' एंड पर लगाते हैं, है ना, इनकरेक्ट है। तो क्या ये करेक्ट है? जब बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए पॉलीमरेज को बाहर निकलने के लिए रो फैक्टर की जरूरत होती है। करेक्ट है, सबको लग रहा है करेक्ट है भाई। पहला करेक्ट कैसे हेमंत, जरा ध्यान से देखो। तो 5' एंड पर लगाते हैं हम कैप, 3' एंड पर टेल लगाते हैं एडेनिलेट की, 200 से 300 वाली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट्स अगेन क्या बोल रहा है? करेक्ट है। 2 सेल के फ्यूजन को कैरियोगैमी बोलते हैं। नहीं, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। क्या सही लिखा है? क्या सही लिखा है ये? बिल्कुल हाँ, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को है ना प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। यहीं पर करेक्ट मिल गया। सिलेक्ट दी करेक्ट पेयर, यहां पर आपको कल सिलेक्ट करना है सही पेयर। लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन दी एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीफ। सब्सिडरी तो नहीं है, बुलीफॉर्म सेल की बात हो रही है। किसकी बात कर रहा है? बुलीफॉर्म सेल की बात कर रहा है। डाइकॉट्स में वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स, कंजंक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या ये बात सही लिखी है? हाँ क्या ये बात सही लिखी है? बिल्कुल गलत लिखी है। कंजंक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में होता है। कहाँ पर? आपके जो है रूट में, है ना। तीसरा पढ़ो, मेड्यूलरी रेस के सेल्स आर पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग, और इसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। बिल्कुल सही लिखा है। आपने अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ा है तो आज मैं 6:30 पर एक छोटा सा सेशन दे रही हूँ जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ फटाफट रिवाइज करवा रही हूँ, और साथ में रिवाइज करवा रही हूँ आपका जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 3 क्वेश्चन क्योंकि आता है ना। तो आ जाना, क्लास का रिमाइंडर जरूर सेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन ऑन डीएनए सीक्वेंस, क्या बोलते हैं इसको? 142 का आंसर क्या होगा? क्या बोलते हैं इसको? सैटेलाइट डीएनए, रेपिटेटिव डीएनए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमॉर्फिक डीएनए। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। रेपिटेटिव डीएनए की बात हो रही है, याद रखना, रेपिटेटिव डीएनए की बात हो रही है।
स्निप्स की बात नहीं हो रही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम रेपिटेटिव डीएनए देख रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पॉलन ग्रेन रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज, फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज। एक रोज रोजेसी, दूसरा लेग्यूमिनोसी, क्या होगा करेक्ट? पढ़ा है ये पॉलन ग्रेन के टाइम पर, है ना, रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहां पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एटीपी एनएडीपीएच दोनों सिंथेसाइज होते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, बिल्कुल सही है। स्ट्रोमा लैमेले में सिर्फ PS1 होता है ना, और यहां पर एनएडीपी नहीं बनता, सिर्फ एटीपी बनती है, बिल्कुल सही है। ग्राना के लैमेले में दोनों होता है, PFS1 PS2, बिल्कुल सही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों इन्वॉल्व नहीं करता है, PS2 नहीं होता है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? आरएनए पॉलीमरेज 3, वन वन टू थ्री RMT, बताओ जरा क्या होगा आंसर, बताओ फिर। RRNA, mRNA, tRNA, RNA polymerase, 1, 2, 3, क्या होगा आंसर? tRNA जहां पर है वही आंसर होगा, तो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना। यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात हो रही है और बोल रहा है ये E किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या ये नेचुरल लॉग का बेस बताता है? हाँ, क्या हम बोलते हैं E क्या होता है, नेचुरल लॉग का बेस होता है ना? नहीं पता है तो अभी याद कर लो, E इज बेस ऑफ नेचुरल लॉग। नेक्स्ट, नाउ अडेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाय अलाउइंग रेडियो एक्टिव प्रोब टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय इट्स डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। तो कैंसर डिटेक्शन के लिए अगर जीन में म्यूटेशन हुआ है, हम प्रोब डालकर डिटेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे डिटेक्ट करते हो भाई, कैसे प्रोब जाकर कंबाइन किसके साथ करेगा? म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपियर्स ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म, म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपियर्स ऑन अ फोटोग्राफिक जीन, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपियर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद इट, या फिर म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपियर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद इट। ये जो प्रोब है ये जाकर नॉर्मल डीएनए से जुड़ेगा, कभी म्यूटेटेड जीन से नहीं जुड़ेगा, है ना, याद रखना। ठीक हो गए तो बंद कर देना, अगर आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं तो फिर इसके आगे का आप आंसर मत कीजिए, चलेगा, मैं तो आपको सॉल्व करवाऊंगी। लिस्ट वन लिस्ट टू मैच करना है, लिस्ट वन लिस्ट टू मैच करना है। मैं बोलूंगी प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है ना, तो याद रखना है। अब आप बताइए और बताओ। हाँ, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, डबल कार्बन वाले, डबल कार्बन वाले, आंसर आ गया। हाँ, बी का 1 आंसर आ गया, क्या इसका आंसर आ गया 1? क्लियर है सबको, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये है, फिर से मैच दी फॉलोइंग है, एस फेज, जी टू फेज, क्विसेंट फेज, जी वन फेज, बोलिए बताइए भाई क्या होगा आंसर। मैं बोलूंगी एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन होता है, अब यहां पर तो 2 में दिया है ना, यहां पर तो 2 में दिया है। दूसरा जी टू फेज, जी टू फेज क्या होगा, जी टू फेज क्या होगा? हाँ, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। 3 हो गया आंसर, 3 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड की बात हो रही है, PBR322 हैज PS1 PST1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विथ जीन AMPR एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस दैट कन्फर्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोडक्शन एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इनटू ई कोलाई स्ट्रेन, क्या होगा? इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल, क्या ये बात सही लिखी है? तो अगर मैंने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन कट कर दिया और वहां पर मेरा जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो इस प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया। अब मैं जब इसको ई कोलाई में डालूंगी तो ई कोलाई में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगा, तो ई कोलाई मेरा एम्पिसिलिन में रेजिस्टेंस नहीं होगा, है ना, उससे रेजिस्टेंस नहीं होगा। पहला ऑप्शन ही सही है
है ना, पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, अभी मेरे को एक बार फटाफट से बताओ तो आपने बॉटनी में कितने मिस्टेक्स करे हैं। हाँ, ओवरऑल आपने सॉल्व तो 45 क्वेश्चंस ही किए होंगे, है ना। आई होप सबने 45 क्वेश्चंस ही सॉल्व किए होंगे। 45 क्वेश्चंस में से कितने मिस्टेक किए हैं? वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड। कितने किए दीपिका? कोई बात नहीं, एक भी किया है तो कोई बात नहीं, एक से ज्यादा नहीं हो सकती भाई, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। तो मेघा कोई बात, चल चार ज्यादा है ना, चार थोड़ी ज्यादा है। एक बार जहां पर भी मिस्टेक हुई है क्लास के बाद क्विक रिविजन करना, 15-15 मिनट के टॉपिक्स देखना, लेकिन स्ट्रेस नहीं देना। जीरो सदम, वेरी गुड। रचना, वेरी गुड। अंशिका, कोई बात नहीं, एक मिस्टेक चलेगा, कोई बात नहीं, है ना, चलो दो तक भी चलेगा। लेकिन ये याद रखना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है और नेगेटिव मार्किंग पूरी तरीके से आपको अवॉइड करनी है, पूरी तरीके से अवॉइड करनी है। जुआलजी शुरू करें? हाँ जुआलजी शुरू करें, आइए भाई जुआलजी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनकरेक्ट पेयर आपको आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है। एल्कलॉइड्स, कोडीन, टॉक्सिन, एब्रिन, लेक्टिन, कौन ए ड्रग, राइसिन। किशन, कोई बात नहीं, पांच गलत हुआ है, बस इतना याद रखना कल एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कर देना है, ये और कम हो जाएगा। ड्रग्स वाला गलत है, हाँ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट फ्लाई के पास 8 क्रोमोजोम है 2n वाले। ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट G1 फेज इज 8, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम आफ्टर एस फेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8 क्रोमोजोम अगर कहीं पर है, माइटोसिस के बाद क्रोमोजोम का नंबर क्या होगा? माइटोसिस में रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोजोम का नंबर क्या होगा बताओ। हाँ तो हम क्या बोलते हैं, जब रेप्लिकेशन होता है, नंबर ऑफ, और ये हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन्स द सेम, है ना, पहली चीज। दूसरा, अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए, तो अमाउंट बोलूं या मैं बोलूं कंटेंट ऑफ डीएनए, क्या होता है, कंटेंट ऑफ डीएनए डबल्स। तो जब हम क्रोमोजोम की बात कर रहे हैं तो नंबर सेम रहेगा जो पहले था, आंसर है 1। अगर अमाउंट पूछा होता ना तो हम बोलते हैं कि वो 2C से 4C हो जाता है, सी क्या है, कंटेंट है डीएनए का, तो कंटेंट डबल हो रहा है लेकिन क्रोमोजोम का नंबर नहीं बढ़ रहा, ये हमेशा याद रखना, है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मैच करना है आपको, अगेन मैच करना है, ध्यान से पढ़ना है इसको, मैच करना है आपको। मेटामेरिज्म हम बोलते हैं, मेटामेरिज्म ट्रू सेगमेंटेशन है जो एनालिडा में मिलता है, ठीक है, हम दो ऑप्शन पर आ गए। फिर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में मिलता है, वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है, अभी भी सेम है। फिर कोम्ब प्लेट्स कहाँ मिलेगा, कोम्ब प्लेट्स कहाँ मिलेगा बता दो ये। हाँ कोम्ब प्लेट्स कहाँ मिलेगा, टीनोफोरा में मिलेगा। हाँ तो आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आज पढ़ने वाले हैं एक बार फटाफट से, शाम में 6:30 बजे। वॉल्ट्स, आईयूडीज, वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, बताइए। मैच करो तो जरा। मैं बोलूंगी अरे यार कुछ नहीं, तो वैसेक्टमी ट्यूबेक्टमी तो बार बार सुना होगा। ट्यूबेक्टमी में क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब वो करते हैं। वास डिफेंस में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वैसेक्टमी, वास डिफेंस, आंसर क्या होगा बता दो इसी पर, इसी पर आंसर बता दो। अगर मैं बोल रही हूँ डी का 4 है, तो डी का 4 कहाँ दिख रहा है, डी का 4 कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है पर। हाँ नेक्स्ट, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताना तरह इसका आंसर। एडेनिन 30% है, ठीक है, डीएनए में, तो थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन का अमाउंट क्या होगा बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते साथ ही आंसर कर दोगे, कैसे। ए का अमाउंट हमेशा टी के अमाउंट के बराबर होता है, तो अगर ए 30% है
तो टी भी 30% होगा, और अगर टी 30% है तो एक ही ऑप्शन में लिखा है, इतना सिंपल आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इज नॉट रिक्वायर्ड लिखा है, इज नॉट रिक्वायर्ड लिखा है, क्वेश्चन पर ध्यान देना, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये तो नहीं चाहिए। हाँ, एमआरएनए चाहिए, टीआरएनए चाहिए, आरआरएनए चाहिए, तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉर्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हाँ, तो याद होगा कॉपर रिलीजिंग हॉर्मोन ही आपने तीन पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, कॉपर टी, Cu7, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, तो कौन सा बचा, एक ही बचा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, सक्कस एंटेरिकस किसको बोलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सक्कस एंटेरिकस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इंटेस्टिनल जूस को बोलते हैं, है ना, इंटेस्टिनल जूस को बोलते हैं। क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरो मस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फेटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, क्या होगा आंसर। हाँ, अर्थराइटिस नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है, गाउट नहीं है, क्या है आंसर, माइस्थीनिया ग्रेविस है। हाँ, माइस्थीनिया ग्रेविस है। नेक्स्ट, विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, सी पेप्टाइड मेच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता है। फिर क्या है, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड। आंसर बताओ, प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, नहीं होता है, होता है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी चलो और बताओ भाई, और कौन सा होगा, और कौन कौन सा सही है 160 में, और कौन कौन सा सही है, ध्यान से पढ़ लो एक बार, और कौन सा सही है, मेच्योर इंसुलिन में नहीं होता, सही है, ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ते हैं, सही है, एक ही गलत है बस, तो आंसर क्या होगा, ए और सी और डी तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली म्यूसिडे। आगे हम जो है पहले चैप्टर पर, द लिविंग वर्ल्ड, म्यूसिडे किस फैमिली को बिलोंग करता है, हाँ म्यूसिडे फैमिली को कौन बिलोंग, हाउस फ्लाई की बात हो रही है, मस्का डोमेस्टिका नाम ही मस्का है। विच इज दी ओनली एंजाइम दैट हैज केपेबिलिटी टू कैटलाइज इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम कौन सा काम करता है, नाम पढ़ो एक बार, डीएनए डिपेंडेंट क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है, क्या काम करता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, हाँ करता है। नेक्स्ट, रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, बताइए, कोरोना रेडिएटा, विटिलिन मेम्ब्रेन, पेरिविटिलिन स्पेस, जोना पेल्यूसिडा। स्पर्म बाइंडिंग का रिसेप्टर किस पे होता है, जोना पेल्यूसिडा पर होता है, नहीं पता था, अभी याद कर लो, अभी याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस टाइम पर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, जी टू फेज। तो जो सिंथेसिस फेज होता है, एस फेज होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, एक डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और दूसरा सेंट्रियोल का भी यहीं पर रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, तो आंसर क्या होगा, हाँ आंसर क्या होगा, एस फेज होगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो एंड न्यूमैटिक लॉन्ग बोन्स, हॉलो लंबी बोन्स किसमें मिलेगी, नियोफ्रॉन, हेमिडेक्टाइलस, मैक्रोपस और नीथोराइंकस, कहाँ मिलेगा, नियोफ्रॉन किसकी बात कर रहे हैं, एएस की बात कर रहे हैं। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, कहाँ बनता है एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन कहाँ बनता है, अगर आपको याद होगा तो एरिथ्रोपोइटिन किडनी में बनता है, जेजी सेल में, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल में। मैच दी फॉलोइंग है, मैच दी फॉलोइंग है, ध्यान से मैच करना,
फाइसेलिया बहुत बार याद किया हुआ है, सही है। बोलो सही है। लाइम्यूलस लिविंग फॉसिल, लाइम्यूलस लिविंग फॉसिल। एंड साइक्लोस्टोमा, एंड साइक्लोस्टोमा क्या होगा? हुकवम, हाँ पिंक्टेडा, पर्ल ऑयस्टर। आंसर क्या होगा? थ्री होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, पीसीआर की बात हो रही है, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड फर्स्ट? कौन सा स्टेप अफेक्ट होगा? अनीलिंग, एक्सटेंशन, डीनेचरेशन, लाइगेशन। तो पीसीआर हम शुरू ही बहुत हाई टेम्परेचर से करते हैं, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर हाई नहीं किया तो आपका जो डीएनए ऐसे पड़ा है आपको उसको अलग करना है, इसके स्ट्रैंड्स को अलग करना है, ये नहीं होगा, डीनेचरेशन ही नहीं होगा, स्ट्रैंड्स अलग ही नहीं होंगे हाई टेम्परेचर नहीं दोगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रॉन्गली रिप्रेजेंट्स, रॉन्गली इनकरेक्ट बताना है, द नेचर ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल का नेचर। दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइशंस, बिल्कुल सही है, ये इनवॉलेंट्री है, बिल्कुल सही है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म्ड बाई इंटरकेलेटेड डिस्क, क्या ये बात सही है? हाँ, ब्लड वेसल्स के वॉल में तो होते हैं। इंटरकेलेटेड डिस्क कहाँ मिलती है आपको? कार्डियक मसल में मिलता है, अगर याद होगा तो, है ना, कार्डियक मसल में मिलता है, याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, ऑर्गेनल दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से ऑर्गेनल इंक्लूड होते हैं, कौन से ऑर्गेनल इंक्लूड होते हैं? याद रखना चार है, ईआर, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, है ना, ईआर, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोजोम, वैक्यूल, यही चार है। कहाँ है ऑप्शन में भाई? सेकंड ऑप्शन यही लिखा है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं, यहां भी माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां भी माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां भी माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है यार, बार बार रिपीट होता है, तो चलो एक बार जरा जो आता है वही मैच कर लो। मैं बोलूंगी एसिटाइल, एसिटिक एसिड, ब्यूटिलाइकम, ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड, तीन तो यही बता दिया फटाफट से, तो एक बच गया नाइजर, जिसमें नाम नहीं भी आता है, तो सिट्रिक एसिड होगा। आंसर बता दो। हाँ क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर? पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन? आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ एलिसा, एलिसा की बात हो रही है ना, एलिसा की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच? इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है? पहला लिखा है अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। गैस्ट्रिक सीका होता है वहां पर, हाँ गैस्ट्रिक सीका होता है, बोलना जरा क्या होता है वहां पर, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर क्या होता है? कौन बताएगा मुझे फटाफट से, कौन है भाई पहला बच्चा जो कि ये बता सकता है मुझे, बताना तो। मिड गट हाइंड गट के जंक्शन पर कॉकरोच के अंदर क्या होता है, हाँ क्या होता है? मालफीजेंट ट्यूब्यूल, मालफीजेंट ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ना। वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड अदिति, अरे क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपियंट, क्यों, क्यों यूनिवर्सल रेसिपियंट बोलते हैं इनको? एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए बी, एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए बी इन प्लाज्मा, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी या एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, आंसर बताओ। तो भाई ए बी ब्लड ग्रुप वालों के पास दोनों एंटीजन होता है, ए भी होता है बी भी होता है, ए भी होता है बी भी होता है, ऐसे पूरे पे होता है। इनके पास क्या कोई एंटीबॉडी होती है? हाँ क्या कोई एंटीबॉडी होती है? तुम बोलते इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा
प्लाज्मा, इसी से तो ये दोनों किसी का भी ब्लड जो है रिसीव कर सकते हैं। डॉप्सन यूनिट से क्या मेजर करते हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन पे बार बार क्योंकि क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना अभी, इसलिए। हाँ, ओजोन पर मेजर करते हो? हाँ, इसकी थिकनेस मेजर करते हो? नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट जरा पढ़िए। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन हेलमिंथ। क्या बोला है? मेटाजेनेसिस आपको मिलेगी हेलमिंथ में। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इकाइनोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम है, सीलोमेट है। कोम्ब प्लेट स्टीनोफोर्स में मिलेंगे जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म। फिर बोल रहा है इन पांच में से कौन कौन सा करेक्ट है ना? एक बार आप आंसर देख लो जरा। मैं बोलूंगी भाई ये बिल्कुल करेक्ट है ना? मेटाजेनेसिस तो नहीं करेक्ट है, ठीक है। फिर मैं बोलूंगी सी भी करेक्ट है ना? सी भी करेक्ट है। फिर मैं बोलूंगी और कौन सा करेक्ट है? ये नहीं करेक्ट है, डाइजेशन तो नहीं, इकाइनोडर्म वाला करेक्ट है। आंसर क्या होगा? बी सी ई करेक्ट है, बी सी ई करेक्ट है, बी सी ई करेक्ट है। नेक्स्ट, इन अ क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड। दोनों को सिकल सेल एनीमिया है और दोनों हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, तो कितने परसेंट प्रोजेनी डिजीज्ड होंगे? 50%, 75%, 25%, 100%, 50%, 75%, 25%, 100%, 25% होंगे, है ना? 25% होंगे। हेटरोजाइगस कंडीशन है, हेटरोजाइगस कंडीशन है, याद रखना। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है तो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पर कौन है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन, रेनिन, एपिनेफ्रिन, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है, ये तो याद होगा। सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द एल्वियोलाई। ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाना है यानी ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करना है, इस एफिनिटी को बढ़ाना है कि ये जुड़े, तो क्या कंडीशन आपको चाहिए? क्या कंडीशन चाहिए? हाई जो है पार्शियल प्रेशर चाहिए ऑक्सीजन का, है ना? पहली चीज। कार्बन डाइऑक्साइड कम चाहिए तो हाई PO2, लो PCO2। फिर कम H+ होना चाहिए, है ना? और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। ये सब कुछ जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने को फेवर कर रहा है ना? सब कुछ फेवर कर रहा है। नेक्स्ट आइए भाई, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इज प्रेजेंट एट। कहां पर होता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी? हाँ, ये बार बार क्वेश्चन आता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी पर भी। कहां पर होता है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अरे रुको, लीजिए भाई, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट और डिओडिनम के जंक्शन पर होता है। हाँ, नेक्स्ट, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर। काइज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन आपको कहाँ पर मिलता है? काइज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन, एक्स शेप का स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, कहाँ पर? डाइकाइनेसिस के टाइम पर, याद रखना। लास्ट की बात कर रहे हैं बिल्कुल प्रोफेज वन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स। प्रोटीन कंटेंट बढ़ाते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाते हैं बेसिकली बायो फोर्टिफिकेशन से। विटामिन कंटेंट बढ़ाते हैं, मिनरल कंटेंट बढ़ाते हैं, क्या डिजीज रेजिस्टेंस बनाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई, जहां पर डिफ्यूजन हो रहा है पहली बार, कितना होता है बताओ जरा, कितना होता है? हाँ, O2 ज्यादा होता है, बहुत, अभी अभी आई है इनहेल करके, 104। और CO2 कम होता है, 40। फर्स्ट ऑप्शन ही लिखा है। नेक्स्ट, वेनीरियल डिजीज, है ना? वेनीरियल डिजीज कैसे फैल सकती है? वेनीरियल डिजीज कैसे फैल सकती है? हाँ, स्टेराइल निडल यूज करें तो बिल्कुल नहीं फैलेगी, तो ये कोई तो गलत है।
ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल सही है। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, बिल्कुल सही है। किसिंग से नहीं, इनहेरिटेंस से नहीं। क्या होगा आंसर? बी और सी, सिर्फ बी और सी, है ना, सिर्फ बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाई एंडो न्यूक्लियस टू मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए इज, क्या बोलते हैं? क्या हम पैलिंड्रोम की बात कर रहे हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, है ना? नेक्स्ट बी आ गया भाई, सेक्शन बी आ गया, 10 ही आपको करना है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। ये क्या लिखा है याद रखना हमेशा, हिस्टोन पॉजिटिव है, डीएनए नेगेटिव है, तभी ये एक दूसरे के ऊपर बाइंड करते हैं। तो एसिडिक तो हिस्टोन हो ही नहीं सकता, वो बेसिक है। पहली चीज पकड़ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर, और ये आपके चार ऑप्शन है, ये आपके चार ऑप्शन है, चूज करो जरा। एच जोन डिसअपियर होता है, बिल्कुल होता है। और बताओ, क्या ए बैंड पे कोई फर्क आता है? कोई फर्क नहीं आता। आई बैंड रिड्यूस होती है, बिल्कुल होती है। मायोसिन हाइड्रोलाइजेस एटीपी रिलीजिंग एडीपी एंड पीआई, बिल्कुल होता है। जेड लाइन अटैच्ड टू एक्टिन इज आर पुल्ड इनवर्ड्स, अंदर आती है, बिल्कुल आती है ना। तो एक को छोड़कर बाकी सारे सही है, ए सी डी और ई सारे सही है, सारे सही है ना। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग। आइए भाई, स्केलेटल सिस्टम की बात हो रही है, स्केलेटल सिस्टम की बात हो रही है। स्कैप्यूला ट्राइंगुलर फ्लैट बोन है। क्रेनियम में कौन सा जॉइंट मिलेगा, क्रेनियम में कौन सा जॉइंट मिलेगा? तो मैं बोलूंगी क्रेनियम में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है, जो है फाइब्रस जॉइंट मिलता है। इतने पे आंसर बता दो क्या होगा, इतने पर ही आंसर बता दो क्या होगा। हाँ, दिख रहा आंसर, लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहे हो? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन्स? कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन? भाई ये पार्चुरेशन के टाइम पर नहीं होता है ना, ये तो पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन स्टार्ट करने के लिए होता है, याद है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन है। अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पैल्पिटेशन। ड्यू टू लो एटमोस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सही है भाई, बताना जरा। हाँ, कौन सा सही है? दोनों सही है। पहली बात तो हायर एल्टीट्यूड पर जाने पर ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है ना, हार्ट पैल्पिटेशन होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हायर एल्टीट्यूड पर, तो बॉडी को सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, जो पहला स्टेटमेंट है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू लिपिड्स, बताना कौन सा सही है ना, कौन कौन सा सही है देखो और बताओ, कौन कौन सा सही है भाई? लिपिड्स हो हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड है ना, आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, आर कॉल्ड व्हाट? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पहला तो ऑप्शन ये है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, अरे गलत है। फिर लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, क्या ये सही है? लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल है, क्या ये सही है? हाँ, क्या ये सही है बोलो, क्या ये सही है? बिल्कुल है। पामिटिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं, गलत। रैकेडोनिक में 16 होते हैं, गलत। आंसर कौन सा होगा? बी और सी सही है, बी और सी सही है। थर्ड आंसर होगा फिर, है ना, थर्ड आंसर होगा, ध्यान देना, थर्ड आंसर होगा। तो अगर नहीं आ रहा है तो मत लिखो,
कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी एडीए डिजीज रिजल्ट्स इनटू डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, पार्किंसन डिजीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या एडिसन्स डिजीज। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी लिम्फोसाइट के सेल में होती है और उसके वजह से स्किड होता है। क्या होता है डिसऑर्डर, कौन सा होता है? स्किड, सिवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी? कौन रिलीज करता है, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, फीटस या यूटरस? कौन रिलीज करता है? कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस अ टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स। किसकी बात कर रहे हैं? लीकिंग खत्म कर रहा है तो टाइट जंक्शन है, और सेल कम्युनिकेशन कर रहा है तो गैप जंक्शन है ना, टू होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी? मॉइट, नॉट अ स्टेप लिखा है, नॉट अ स्टेप लिखा है। पहला ऑप्शन ही ध्यान से पढ़ो, तो हम क्या करते हैं, हम एक हेल्दी काउ को क्या देते हैं? एलएच नहीं देते, एफएसएच जैसा हार्मोन देते हैं। एलएच नहीं, एफएसएच जैसा हार्मोन देते हैं। पहला ऑप्शन ही गलत लिखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन लिस्ट है, आपको क्या करना है, आपको इसको मैच करना है। करिए भाई मैच करिए। फाइलेरियासिस किससे होता है? फाइलेरियासिस किससे होता है? हाँ पहला ही मैच कर लो, वुचरेरिया से होता है। अब यहीं पर आंसर मिला क्या? यहीं पर आंसर मिला क्या? हाँ नेक्स्ट, फिर से मैच, फिर से मैच, मैच करो तो, फिर से मैच करो तो। आई होप सबको दिख रहा है, एक बार बताना सबको दिख रहा है ना। हाँ बताओ, एलेंस रूल, पोलर सील की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन किसकी बात कर रहे हैं? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन किसकी बात कर रहे हैं बताना जरा। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कैंगरू रैट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिहेवियर का एडेप्टेशन, बिहेवियर का एडेप्टेशन डेजर्ट लिजर्ट की बात कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? थ्री है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से लिस्ट है आपके पास, थोड़ा छोटा कर रही हूं कि बस आपको दिखे ऑप्शन भी है ना, तो ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। ध्यान से देखो, अडैप्टिव रेडिएशन से हमें पता चला था डार्विन फिंचस के बारे में। ऑप्शन देखो, अडैप्टिव रेडिएशन से हमें पता चला था डार्विन फिंचस के बारे में। क्या होगा आंसर? पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दिया है ना, दो स्टेटमेंट दिया है। क्या क्या स्टेटमेंट है? कोडॉन एयूजी कोड्स फॉर मिथियोनिन एंड फिनाइल एलनिन। दूसरा है एएए और एएजी बोथ कोड्स फॉर द कोड अमाइनो एसिड लाइसिन। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहला ऑप्शन का इनकरेक्ट है, एयूजी स्टार्ट कोडॉन है विच ओनली कोड्स फॉर मिथियोनिन, इट ओनली कोड्स फॉर मिथियोनिन। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है तो आप एलिमिनेट करके बता सकते हो, अगर आपको ये याद नहीं भी है तो क्या आप एलिमिनेट करके बता सकते हो? क्योंकि इसमें लिखा है स्टेटमेंट वन करेक्ट है, इसमें भी लिखा है करेक्ट है, इसमें भी लिखा है करेक्ट है, सिर्फ एक में लिखा है इनकरेक्ट है। आंसर सिंपल देते हैं वो, है ना, बस घुमाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थ वॉर्म? पहला क्या है? ये माउथ की कवरिंग है, बिल्कुल, ये फर्स्ट सेगमेंट होता है पेरिस्टोमियम, उसके ऊपर की कवरिंग है। दूसरा
ये अगर सॉइल हार्ड है तो उसको क्रैक करने के काम भी आता है। इसके ऊपर आपको लाइट के, टच के सेंसरी रिसेप्टर भी मिलेंगे। ये पहला बॉडी सेगमेंट है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट प्रोस्टोमियम नहीं होता, पेरिस्टोमियम होता है। क्या होता है? पेरिस्टोमियम होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर क्या है फिर बताओ। अबूदार सारे करेक्ट नहीं है, इसीलिए बोला गलती करोगे। प्रोस्टोमियम ऊपर की कवरिंग, पहला सेगमेंट क्या बोला जाता है? पेरिस्टोमियम। दोनों की स्पेलिंग देखो तो जरा। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने ओवरऑल 90 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और किसने जो है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये भी बताओ फटाफट से बताओ तू। हाँ, वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड। स्वालिहा दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रविंद्रा, यू कैन यूज इट ब्लू और ब्लैक, बोथ आपकी चॉइस है। तीन मिस्टेक, कोई बात नहीं, एक इनकरेक्ट, बाकी सब ठीक है। विलासा वेरी गुड, कांति बहुत अच्छा है, बहुत इंप्रूवमेंट मुझे दिख रही है। साथ नहीं किया, हाँ नहीं किया तो अच्छी बात है, छोड़ना है भाई, नेगेटिव मार्किंग आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए पेपर का लेवल बोलती हूँ, बायो का, ठीक है। तो बायो में के पेपर में घबराना नहीं, क्योंकि बायो का पेपर ज्यादातर इजी क्वेश्चंस का ही आएगा, ये बात याद रखना, है ना। तो बायो में अगर मैं ऐसे लिखूं कि इजी लेवल, मीडियम लेवल, है ना, और डिफिकल्ट लेवल, ठीक, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी लेवल के आएंगे, कुछ क्वेश्चंस मीडियम लेवल के आएंगे, डिफिकल्ट लेवल नहीं आएगा। आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है, बस, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस रखना। बायोलॉजी में आप 45 से 50 मिनट्स टारगेट करोगे एक तो सॉल्व करने का, ठीक है। जो एक्स्ट्रा 20 मिनट्स मिल रहे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, उसको वेस्ट नहीं करना। आंसर मार्क करने के टाइम पर जब आप अपनी ओएमआर शीट फिल कर रहे हो तो कोई भी मिस्टेक नहीं करना। तो मेरा सजेशन आपको हमेशा यही रहेगा कि जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर क्वेश्चन नंबर वन, उसी टाइम पर साइड में ओएमआर रखो और ओएमआर फिल करते चलो। क्यों? क्योंकि एक भी अगर आपने फिल करने में लास्ट में जल्दी जल्दी में एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हुआ ना, एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हुआ, तो आपका पूरा नीचे का आंसर गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पर बहुत सारे बच्चे करते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है। लास्ट में एक और प्रॉब्लम होती है कि टाइम कम होता है, अगर आपने ओएमआर फिल नहीं किया ना तो आप पैनिक कर जाते हो, ठीक है। तो साथ साथ में फिल करते रहना, स्पेशली वो क्वेश्चन जिसमें आप 100% श्योर हो, ये याद रखना, ठीक। अब एक बात लास्ट, नेगेटिव मार्किंग का बहुत ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग आपका पेपर खराब कर सकता है। तो अगर आपको डाउट है, मैं देखो ऐसे टीचर्स में से नहीं हूं जो बोलूंगी तुक्का मारो, है ना, मैं बोलूंगी तुक्का नहीं मारना चाहिए आपको, यहाँ पर आपका पेपर बिगड़ सकता है। आपको क्या करना चाहिए, एक मैक्सिमम लिमिट लेकर चलना चाहिए कि मैं हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन का तुक्का मारूंगा, बस बस एक क्वेश्चन, उसके आगे अगर मेरे को कंफ्यूजन हुआ तो मैं एक बार के लिए नहीं मार्क करूंगा जब तक मैं 100% श्योर ना हो जाऊं, ठीक है। आपको ये पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर सारे पेपर चाहिए, मैं पेपर अपने ऐप पर अपलोड कर दूंगी। ऐप का नाम है वन स्टॉप एकेडमी। क्या नाम है ऐप का? वन स्टॉप एकेडमी, ठीक है। अभी फिर से एक बात बताती हूँ, 6:30 PM पर मैं कुछ कुछ रिवाइज करवा रही हूँ उस सेशन का, अभी आपको दिख जाएगा, रिमाइंडर सेट कर लूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स कुछ रिवाइज करें जिससे कि हम 4-5 क्वेश्चन निकाल सके कल एग्जाम में, टेंशन नहीं लो। और अभी जो है अंशु मैम केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करवाएंगी, सारे के सारे वहां चले जाओ, ठीक। सो आई विल सी यू अगेन एट 6:30 PM टूडे, है ना, आई विल सी यू अगेन एट 6:30 PM टूडे। बहुत सारे नए बच्चे हैं, कल एग्जाम के बाद 5:30 PM पर मैं लाइव होऊंगी सॉल्व करने के लिए, इमीडिएटली पेपर सॉल्व करूंगी आपके लिए, एक के बाद एक बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप अगर इसका आंसर की भी चाहते हो या सेशन अटेंड करना चाहते हो तो आपको सेशन दिख रहा होगा, अभी रिमाइंडर सेट कर लो, जरूर जरूर अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और इसकी भी आंसर की आपको ऐप पर अपलोडेड मिल जाएगी कल रात तक, ठीक है? सूरज, केमिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट, केमिस्ट्री एज वेल इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट, केमिस्ट्री में भी ज्यादातर क्वेश्चन इजी लेवल के होंगे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, सिर्फ फिजिक्स, जहां पर कुछ क्वेश्चन इजी होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन मीडियम लेवल के होंगे, बस फिजिक्स में ये होगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में इजी लेवल क्वेश्चन आने वाले, ठीक है? तो अभी सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अभी चले जाओ अंशुमान की क्लास में, एंड आई विल सी यू एट 6:30 PM अगेन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैव कॉन्फिडेंस। बाय।